हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू PSEB ट्यूशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज की स्टूडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th साइंस का सिलेबस, कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी में, ठीक है। और उसके बाद हम मैथमेटिक्स का डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं फिर तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पेपर में भी मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बताती थी उसके बाद सारा काम शुरू करती थी, तो इसी तरीके से हम सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा आप बताना देना चाहती हूँ कि कितने चैप्टर हैं आपके साइंस में, ठीक है। और जो है कितने फिजिक्स के हैं, कितने केमिस्ट्री के हैं, कितने बायो के हैं। और बच्चों, दूसरा ये है कि इसके बाद मैथ्स का जो है वो भी मैं पूरा बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर्स हैं। और हम जो है इसके बाद चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे साइंस मैथ्स के अप्रैल में, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों की अभी एग्ज़ाम एक दो रह गई है या प्रैक्टिकल्स रह गए, वो ख़त्म हो जाए फिर, ठीक है। तो चाहे आप पंजाब बोर्ड के हो, चाहे आप CBSE बोर्ड के हो, ठीक है, अदर स्टेट बोर्ड के हो, सभी ने यही सिलेबस पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों, चैप्टर नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पे टोटल कितने चैप्टर हैं मैं ये आपको बता दूँ। यहाँ पे टोटल चैप्टर 12 है, ठीक है, जिसमें से आपकी जो 8th की साइंस थी, आप बुक कोई भी ले सकते हो बेटा, ठीक है, मीन्स आप NCERT बुक भी ले सकते हो, और अगर आप पंजाब बोर्ड के हो तो पंजाब बोर्ड पब्लिशर की भी बुक ले सकते हो, या फिर सीधे आप NCERT भी लोगे तो भी चलेगी, ठीक है। तो जो 8th की साइंस है ना, उससे थोड़ा सा एडवांस होती है 9th की साइंस। 8th की साइंस में हम बेसिकली ज़्यादातर थ्योरी 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 पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स उसमें एक दो थे, कोई खास नहीं था, है ना। अब ये जो 9th की साइंस है बेटा, अगर आप रेगुलर अच्छे से इसको समझोगे तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको ये बताऊँ कि 10th की साइंस 9th से ईजी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 9th की साइंस में थोड़ा सा आप शुरू से अच्छे से मेहनत करना, आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, और यही 9th की साइंस आपको +1 में डिटेल में होगी, ठीक है। उसके बाद अगर 9th की साइंस अच्छे से पढ़े ना, 10th की साइंस तो आपको बहुत ईजी लगेगी, आपको लगेगा अरे हमने 9th में बड़ी मुश्किल से साइंस किया, बहुत मेहनत करके किया, और 10th में इतनी ईजी साइंस थी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया टोटल 12 चैप्टर हैं साइंस में। तो फर्स्ट आपका जो चैप्टर है यहाँ पर, पहले 4 चैप्टर ये आपका पार्ट है केमिस्ट्री का, ठीक है, ये सारे केमिस्ट्री के लेसन हैं। चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सारे ही बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, बेस जो है आपका केमिस्ट्री का इन्हीं 4 चैप्टर से बनेगा। अगर ये 4 चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, आपका केमिस्ट्री का बेस समझ लो बन गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अगले चैप्टर हैं हमारे पास, चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 6 टिश्यू, चैप्टर बस दो ही, ठीक है, ये गलत आ गई। तो यहाँ पर दो चैप्टर नंबर 5, 6, और हम बात कर ले लास्ट चैप्टर नंबर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये 3 चैप्टर आपके जो हैं बायोलॉजी के, ठीक है, ये भी बहुत ईजी हैं, ठीक है। और उसके बाद और नेक्स्ट आ जाती है हमारी फिजिक्स। तो फिज़िक्स में हमारा जो है चैप्टर कौन कौन सा हो गया, थोड़ा एडवांस लेवल की फिज़िक्स होती है, मीन्स जो आपने 8th तक तो बहुत ईजी फिज़िक्स पढ़ी हुई है, लेकिन 9th में थोड़े से न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आएगी जहाँ पे आप पज़ल होगे, बट कोई बात नहीं, कोशिश करोगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आएगी 9th की साइंस, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फिज़िक्स के चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7 मोशन, चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी, एंड चैप्टर नंबर 11 साउंड। तो ये आपके टोटल कितने चैप्टर हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, 5, 5 चैप्टर सबसे ज़्यादा सिलेबस फिज़िक्स का, ठीक है। तो 5 चैप्टर फिज़िक्स के, 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के, और आपके 4 चैप्टर जो हो गए, सॉरी 3 चैप्टर हो गए बायो के। तो टोटल ये आपके 12 चैप्टर हैं, ठीक है, और इनको हम आराम से बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे पार्ट बाय पार्ट, और आप साथ में अपनी बुक भी पढ़ते रहना। मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी, बुक भी पढ़ते रहना, पूरी कोशिश करूंगी मैं बैक एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपने वीडियो
वीडियो देख ली और उसके बाद अपनी बुक नहीं रीड की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। आपने मेरी वीडियोस को देख के बुक समझना है और उसके बाद फिर एक बार अगर आप देख लोगे वीडियोस को तो और अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं कि कई बच्चे कमेंट करने लग जाते मैम नेक्स्ट प्लीज़ नेक्स्ट, तो नहीं, एक चीज़ को पहले बहुत अच्छे से समझो फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है और आप नाइन्थ की साइंस के लिए रेडी हैं तो वीडियो को लाइक और फटाफट अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी कर दो। और एक चीज़ और, एट्थ क्लास में अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ है चैनल तो उनको भी शेयर कर दो चैनल को, ताकि उनकी भी एट्थ क्लास में हेल्प हो सके। साइंस तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड है एट्थ की, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।